गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल। मतलब हमने काफी बड़े बड़े डिस्टेंस कैसे ढूंढने के, लाइक द डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ, एंगुलर डायमीटर, वो सारी चीजें डिटेल में हमने अब तक देखी। उसके बाद में कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट टॉपिक है गाइज, हाउ वी कैन एस्टिमेट ऑफ अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस और रादर साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। वी नो वेरी वेल गाइज, मॉलिक्यूल का साइज काफी छोटा होता है, हमें पता है सबको, जिसका साइज ऑन एन एवरेज एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर, वेरी माइन्यूट डिस्टेंस, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जो हम नॉर्मल आई से देख नहीं सकते। तो उसके लिए देखने के लिए वी हैव टू रिक्वायर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और अनदर यूनिट इज 1 फर्मीमीटर इज इक्वल टू 10^-15 मीटर। आज हम देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन का थिकनेस किस तरीके से निकालते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। सो नाउ अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। अब सपोज मेरे पास ऑलिक एसिड एक सॉल्यूशन है, ऑलिक एसिड का मॉलिक्यूलर साइज जो है दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10^-9 मीटर। फ्रेंड्स, अभी 1 cm³ ऑलिक एसिड का मैं वॉल्यूम लेता हूं, सपोज I am taking 1 cm³ ऑलिक एसिड, वो 1 cm³ ऑलिक एसिड को 20 cm³ अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व करता हूं। समझना अच्छे से गाइस, ये 1 cm ऑलिक एसिड सॉल्यूशन को 20 cm अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व करता हूं, सो द रिजल्टिंग मिक्सचर, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसमें ऑलिक एसिड का 1/20 cm³ पार्ट होगा। आर यू एग्री विद दिस? देखो कैसे 1 cm³ ऑलिक एसिड मेरा सॉल्यूशन था, उसको मैंने 20 cm³ अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व किया, तो अभी जो मेरा ऑलिक एसिड का पार्ट ये सॉल्यूशन में है दैट इज 1/20 cm³। माइंड इट, अब मेरे पास 1/20 cm³ वाला जो पार्ट है ऑलिक एसिड का, उसको वापस 20 cm³ अल्कोहल में अगेन आई विल डाइल्यूट। दिस इज 1 टाइम, दिस इज 2 टाइम, तो इट इज 1/20/20 विच विल रिजल्ट 1/20×20। तो समझना अच्छे से, पहले 1 cm³ था, उसको 20 cm³ अल्कोहल में मैंने डिसॉल्व किया, सो नाउ द पार्ट ऑफ ऑलिक एसिड इन अल्कोहल इज 1/20, दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। अब ये जो 1/20 cm³ वाला ऑलिक एसिड है, उसको वापस हम इधर 20 cm³ अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व करेंगे, तो वो कितना पार्ट मेरा बाकी बचा, 1/20×20, सो रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर बचा 1/20×20, सो दैट विल ऑलिक एसिड का पार्ट। तो ये डिसॉल्व होते होते पहले 20 cm³ में डिसॉल्व किया, सो विच इज 1/20, 1/20 को अगेन 20 cm³ अल्कोहल में डिसॉल्व किया, सो नाउ गाइस इट इज बिकम 1/20×20। ये मैंने 2 टाइम्स डाइल्यूट किया उसको, ओके? तो ये राइट नाउ इट इज माय रिजल्टिंग पार्ट ऑफ द ऑलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन मेरा हो गया, आप देख सकते हो 20 × 20 = 400 cm³। 1 cm³ ऑलिक एसिड का था, उसको 400 cm³ के अंदर डिसॉल्व किया अल्कोहल के, सो व्हाट इज द पोर्शन ऑफ ऑलिक एसिड, 1/400 cm³। वी कैन राइट लाइक दिस, और इजी रखने के लिए मैंने अभी यहाँ पे 1/20×20 रखा है गाइस। उसके बाद में आगे देखो कि ये जो अभी सॉल्यूशन है मेरा 1/20×20 का, उसको मैं वाटर के ऊपर स्प्रिंकल करूं, से फॉर एग्जाम्पल, सो लेट n ड्रॉप्स वी स्प्रिंकल ऑफ ईच वॉल्यूम वी सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका अमाउंट क्या मिलेगा, वेरी सिंपल, अमाउंट मिलेगा n नंबर ऑफ ड्रॉप्स इंटू वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप इंटू कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन है 1/20×20 cm³ जो हमने यहाँ पे निकाला। अब ये मुझे वॉल्यूम मिल गया गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो जो हमने लिक्विड यहाँ पे स्प्रिंकल किया था उसका कुछ एरिया कवर्ड अप हो जाएगा, जैसे इट्स वेरी सिंपल, कोई भी लिक्विड रादर ऑयल ऑल्सो यू स्प्रिंकल ऑन वाटर देन इट विल क्रिएट अ थिन फिल्म, बराबर है, उसके ऊपर एक लेयर जैसा जम जाता है।
तो वो लेयर को वॉल्यूम ऑफ फिल्म अगर मैं कंसीडर करूं, वी नो वेरी वेल कोई भी वॉल्यूम को वी कैन ब्रेक इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, वो आप सबको याद होगा राइट। सो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। सो इन दिस केस गाइस, वॉल्यूम ऑफ फिल्म इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिल्म इनटू थिकनेस। नाउ सपोज वी वांट टू फाइंड द थिकनेस, वी हैव टू मेक दैट सब्जेक्टिव। सो थिकनेस इज इक्वल टू एन इंटू वी अपॉन 20 इंटू 20, ये जो वॉल्यूम निकाला था, अपॉन एरिया जो नहीं पता। सो इसको अच्छे से और आगे सिंप्लीफाई करें तो एन वी अपॉन 20 इंटू 20 इंटू एरिया। सो बाय दिस टेक्निक गाइस वी कैन एबल टू फाइंड थिकनेस ऑफ अ फिल्म। ओके, तो क्या किया, सबसे पहले समझो ऑलिक एसिड को 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया, उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल के अंदर डिसोल्व किया, सो विच विल 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन 1/20 को और आगे 20 सेंटीमीटर क्यूब में डिसोल्व किया, सो विच विल टर्न आउट 1/20 इंटू 20, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। अब ऐसे एन नंबर ऑफ ड्रॉप सपोज आप डालते हो, उसका वी वॉल्यूम है, तो अमाउंट इज इक्वल टू एन वी इंटू 1/20 इंटू 20। नाउ वॉल्यूम ऑफ फिल्म इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिल्म इंटू थिकनेस। अंडरस्टैंड, थिकनेस वी वॉन्ट टू फाइंड, मेक दैट सब्जेक्टिव, दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो ये हो गया वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड ये काफी माइन्यूट डिस्टेंस होगा गाइस, क्योंकि इट इज वी आर टॉकिंग फॉर अ मॉलिक्यूलर लेवल, जो साइज होता है आइदर एंगस्ट्रॉम और आइदर फर्मी। ओके, तो इसके हिसाब से हमें ये रिकॉल रखना है। थैंक यू वेरी मच।